अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू वेव्स। दुनिया की मशहूर आबशारें, नियाग्रा आबशार। ये आबशार अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाकया है। इस आबशार की खाई अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के इलाके वाटरटाउन से शुरू होकर कनाडा के सूबे ओंटारियो के जजीरे मानाटोलन तक जाती है। इसकी लंबाई 1609 किलोमीटर है और ये एक पुराने दरिया की सतह के टूटने से वजूद में आई। ये खाई 600 से 620 फुट ऊंची है। इस खाई से पहले कुछ नदियां आपस में मिलकर एक दरिया में गिर जाती हैं और ये दरिया आबशार की शक्ल में इस खाई पर से गिरता है। इस दरिया को दरियाए नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा आबशार जिस जगह से वजूद में आई वो जगह सबसे पहले एक माहिरे अर्जियात डॉक्टर रॉय स्पेंसर ने दरियाफ्त की और इसी वजह से इस जगह को राय टेरेस कहा जाता है। सुदरलैंड आबशार। ये आबशार न्यूजीलैंड के इलाके मिलफोर्ड साउंड में वाकया है। ये आबशार 1904 फुट ऊंची है और ये दरियाए आर्थर पर वाकया है। उस तक पहुंचने के लिए 1 घंटे पैदल चलना पड़ता है। इसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि लगता है कि कोई हवाई जहाज उड़ता जा रहा है। विक्टोरिया आबशार। दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत आबशार वस्ती अफ्रीका में दरियाए जिम्बेजी पर शुमाल मगरबी जिम्बाब्वे और जनूबी जिम्बिया के सरहद पर वाकया है। इस मकाम पर 1 मील चौड़ा दरिया 360 फुट की बुलंदी से एक तंग खाई में जा गिरता है। ये तंग खाई तब बनी जब दरिया के रास्ते में मौजूद पत्थर टूट फूट कर उसके रास्ते से हट गए। इस आबशार की गरजदार आवाज की वजह से इधर के मकामी लोगों ने इस आबशार को एक और नाम दिया है, मोसी ओ तुनिया, जिसका मतलब है गरजता हुआ धुआं। इसको ये नाम विक्टोरिया आबशार स्कॉट्स पादरी और मुहिमजू डेविड लिविंगस्टोन ने दिया था जो 1855 में यहाँ आए थे। क्रैप ट्री आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना में वाकया है। इसकी ऊंचाई 70 फुट है। इस तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर 2 मील का सफर तय करना पड़ता है। एंजल आबशार। ये आबशार जनूब मशरकी वेनेजुएला में रियो चुरन के मकाम पर वाकया है। ये सारा साल चलने वाली दुनिया की सबसे ऊंची आबशार है। ये तकरीबन 3212 फुट की ऊंचाई से गिरती है और ये 1935 में एक अमेरिकी हवाबाज और मुहिमजू जेम्स सी एंजल ने दरियाफ्त की और उसके नाम पर ही इसका नाम एंजल आबशार रखा गया। ड्रिफ्ट आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके ट्रांसिल्वेनिया में वाकया है। इस आबशार को बुस्तैस आबशार भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 80 फुट और ऊंचाई 50 फुट है और ये दरियाए हॉर्स पास्चर पर वाकया है। बुश्किल आबशारें। ये 8 आबशारें अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया में वाकया हैं। इनको नाइग्रा ऑफ पेंसिल्वेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आबशारें पोकोनो माउंटेन्स में वाकया हैं और इन तक जाने के लिए लकड़ी के बने पुलों और पहाड़ों को चढ़कर जाना पड़ता है। इनके इर्द गिर्द खूबसूरत जंगलात हैं। इन आबशारों में से सबसे बड़ी आबशार की ऊंचाई 100 फुट है। इन आबशारों से आने वाला पानी डेलावेयर रिवर में गिर जाता है। खुश्क आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके मैकॉन में वाकया है। इस हिस्से पर इसकी ऊंचाई 80 फुट है जबकि पूरी आबशार की ऊंचाई 110 फुट है। इसको खुश्क आबशार इसलिए कहा जाता है कि इसके नीचे से एक रास्ता बनाया गया है और उधर से आप भीगे बगैर गुजर सकते हैं। ये आबशार दरियाए कुलेसजा पर वाकया है। इग्वाजू आबशार। जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राजील और अर्जेंटीना की सरहद पर वाकया ये आबशार दुनिया की
खूबसूरत तरीन आबशारों में से एक है। इस आबशार की ऊंचाई 200 से 260 फुट तक है। इस मकाम पर बेहतर नज़ारा करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया गया है और जिस जगह से पूरी आबशार को अपने इर्द गिर्द गिरते हुए देखा जा सकता है। लिटिल ब्रैडले आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके पोल्क में वाकया है। इसकी लंबाई 35 फुट है और ये दरियाए कोव क्रीक पर वाकया है। लुकिंग ग्लास आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके ट्रांसिल्वेनिया में वाकया है। ये आबशार नेशनल फॉरेस्ट नैंथेलिया का हिस्सा है। इस आबशार की ऊंचाई 65 फुट है। हुनलेन आबशार। ये आबशार कनाडा की तीसरी ऊंची आबशार है और ये कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के पार ट्वीट स्विमर में वाकया है। इसकी ऊंचाई 1198 फुट है। इस तक पहुंचने के लिए 2000 मीटर का वो फासला तय करना पड़ता है जो कि जंगली रीछों का मस्कन है। ये आबशार दरियाए हुनलेन पर वाकया है। कोसे कजा आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके ट्रांसिल्वेनिया में वाकया है। इसकी ऊंचाई 110 फुट है। ये दरियाए हॉर्स पास्चर पर वाकया है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया कि बारिश के बाद यहाँ पर कोसे कजा का दिलकश नज़ारा किया जा सकता है। स्कूल हाउस आबशार। ये आबशार वादिये पेंथर टाउन के करीब अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके ट्रांसिल्वेनिया में वाकया है। इस आबशार की ऊंचाई 25 फुट है। व्हाइट ओल आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके ट्रांसिल्वेनिया में वाकया है। ये आबशार नेशनल फॉरेस्ट नैंथेला का हिस्सा है। इस आबशार की ऊंचाई 20 फुट है। ट्विन आबशार। ये आबशार अमेरिका की स्टेट शुमाली कैरोलिना के इलाके ट्रांसिल्वेनिया में वाकया है। इस आबशार की ऊंचाई 100 फुट है। इसका पानी दरियाए थॉमसन में जाकर गिरता है। आबशार से पहले दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और आबशार से गिरने के बाद फिर आपस में मिल जाता है। ये वीडियो थी दुनिया की बेहतरीन आबशारों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब पर लाजमी क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।